हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टोलन नोट्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे CPWA, दैट इज़ सेंट्रल पब्लिक वर्क्स अकाउंट से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस। वैसे इसमें चैप्टर में जो दिया हुआ है बहुत सारे डेफिनेशंस हैं, लेकिन हम उनमें से कुछ मेन डेफिनेशंस ही कवर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे डेफिनेशन तो ऐसे हैं जो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, उसको आपको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, वैसे भी पढ़ के समझ में आ जाता है। और बहुत सारे ऐसे हैं जो उतने फ्रिक्वेंटली यूज़ नहीं होते, और जब उनको यूज़ किया जाएगा तब उनको पढ़ लेना ज़्यादा सही होगा। तो आइए, कुछ डेफिनेशंस हैं जो बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज होते हैं, तो उनके डेफिनेशन हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहला जो वर्ड है, दैट इज़ अकाउंट्स ऑफिसर। अकाउंट्स ऑफिसर बहुत क्लियर है कि जो अकाउंट ऑफिस का हेड होगा या पे एंड अकाउंट ऑफिस का हेड होगा, उसको हम कहते हैं अकाउंट ऑफिसर। सेकेंड है ऑडिट ऑफिसर। तो CAG के अंडर में किसी भी ऑडिट ऑफिस का जो हेड होगा, चाहे वो अकाउंटेंट जनरल हो सकते हैं, प्रिंसिपल अकाउंटेंट जनरल हो सकते हैं, या फिर DG हो सकते हैं, डायरेक्टर जनरल हो सकते हैं, तो इनको जो होता है कहते हैं हम ऑडिट ऑफिसर। नेक्स्ट वन इज़ डिविजनल ऑफिसर। सबसे इंपॉर्टेंट इंसान जो होता है CPWD में, वो होता है डिविजनल ऑफिसर। सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट अलग अलग डिवीज़न पे बटा हुआ है, और हर डिवीज़न में एक जो ऑफिसर होता है उसको हम कहते हैं डिविजनल ऑफिसर। ये पूरे डिवीज़न का चीफ डिसबर्सिंग ऑफिसर भी होता है, और इसके अंडर में बहुत सारे और ऑफिसर काम करते हैं, और डिविजनल ऑफिसर के अंडर में डायरेक्टली भी वर्क हो सकता है। नेक्स्ट टर्म जो हम पढ़ेंगे वो है सब डिविजनल ऑफिसर। जैसा कि नाम से क्लियर है, सब डिविजनल ऑफिसर्स डिविजनल ऑफिसर के अंडर में काम करते हैं। इनके अंडर में एक एक सब डिविज़न होते हैं, डिवीज़न बहुत सारे सब डिविज़न से बटा हुआ है, और एक सब डिविजनल ऑफिसर के अंडर में एक एक सब डिविज़न होता है। इनके अंडर में डायरेक्ट काम होता है, और ये उस काम के बारे में रिपोर्ट करते हैं डिविजनल ऑफिसर को। नेक्स्ट इज़ डायरेक्शन ऑफिसर। डायरेक्शन ऑफिसर बेसिकली ये डिविजनल ऑफिसर से एक रैंक ऊपर होता है। इसका मतलब एक डायरेक्शनल ऑफिसर के अंडर में बहुत सारे डिविजन्स होंगे, और बहुत सारे डिविजनल ऑफिसर उनके अंडर में काम कर रहे होंगे। लेकिन डायरेक्शन ऑफिसर होने के लिए सबसे बड़ी एक क्राइटेरिया ये भी है कि उसको डायरेक्टली कोई वर्क इंटरेस्टेड नहीं होना चाहिए। यदि कोई काम डायरेक्टली उसके अंडर में हो रहा है, तो उसको भी हम डिविजनल ऑफिसर बोलेंगे। नेक्स्ट हम आते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल पे। तो कोई भी वर्क करने से पहले एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से जो अप्रूवल लिया जाता है उस काम को करने का, उसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। बिना एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के कोई भी काम नहीं होगा। नेक्स्ट इज टेक्निकल सैंक्शन। अभी क्या हुआ कि एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल आपको मिल गया, आपको ये अप्रूवल मिल गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट से कि ये पर्टिकुलर वर्क आप कर सकते हैं। इसके बाद आप उस वर्क का एक डिटेल्ड एस्टिमेट बनाएंगे कि अलग अलग यूनिट्स ऑफ वर्क में क्या क्या एक्सपेंडिचर और कितना कितना एक्सपेंडिचर होगा, और इस पूरे डिटेल्ड एस्टिमेट को आप कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से सैंक्शन कराते हैं। इस सैंक्शन को कहते हैं टेक्निकल सैंक्शन। और इसका ये मतलब है कि जैसा जिस यूनिट ऑफ वर्क में जितना अमाउंट या वर्क के जिस पोर्शन में जितना अमाउंट आपको एक्सपेंडिचर करने की सैंक्शन मिली हुई है, उसी के अकॉर्डिंग आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको एक्सपेंडिचर करना है। तो ये हो जाता है आपका टेक्निकल सैंक्शन। नेक्स्ट वर्ड इज़ पेमेंट ऑन अकाउंट। इससे पहले कि हम पेमेंट ऑन अकाउंट पढ़ें, ये समझना आवश्यक है कि वर्क्स कैसे होते हैं। वर्क के लिए हम किसी कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वो या तो मटेरियल हमसे लेगा, या मटेरियल वो खुद लाएगा, और उसके बाद वो वर्क करता है। तो जब भी वो वर्क परफॉर्म करता है, तो वर्क उसने कर दिया, अब बड़ा सा वर्क है, सपोज़ वो एक साल चलने वाला वर्क है, उसने एक दो महीने काम किया, अब वो हम उसको पेमेंट उसको करना है, उस जो पर्टिकुलर वर्क उसने किया है। तो हम उस वर्क को मेज़र करते हैं, और मेज़र करने के बाद उसका हम उसको पेमेंट करेंगे। सो ये जो हम इंटरवल्स में पेमेंट कर रहे हैं, आज हमने उसको मेज़र किया, पेमेंट कर दिया, एक महीने बाद फिर हमने मेज़र किया, फिर पेमेंट कर दिया, इस जो हमने उसको इंटरवल में पेमेंट कर रहे हैं थ्रू आउट द ईयर और एंड टू द एंड ऑफ द वर्क, ठीक है, और लास्ट में जाके उसको हम सेटलमेंट करते हैं, ओवरऑल फाइनल सेटलमेंट होता है। तो ये जो हमने बीच में उसको जितने भी पेमेंट किए, इसको हम बोलते हैं उसको पेमेंट ऑन अकाउंट, या फिर ऑन अकाउंट पेमेंट, या फिर पेमेंट ऑन रनिंग अकाउंट। नेक्स्ट पेमेंट इज़ एडवांस्ड पेमेंट। अब यहाँ क्या था कि वर्क हुआ, मेजरमेंट हुआ, और उसके बाद हमने पेमेंट किया। यहाँ क्या है कि वर्क तो उसने कर दिया, वर्क उसने कर दिया, और लेकिन अभी तक मेज़रमेंट नहीं हुआ है, और उसको अपना पेमेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, उसने जितना वर्क किया है उसका हम एस्टिमेट निकालेंगे। एक ऑफिसर डिप्यूट होता है इसके लिए, वो उस वर्क का एस्टिमेट निकालेगा, और उस एस्टिमेट के हिसाब से कुछ परसेंटेजेस कम करके उसको हम पेमेंट कर देते हैं। तो चूँकि अभी तक उसका वर्क मेजर्ड नहीं है,
इसलिए इसको हम एडवांस पेमेंट कहते हैं। और जब भी वो वर्क मेजर होगा तब इस एडवांस पेमेंट को वहाँ पे एडजस्ट किया जाएगा। नेक्स्ट इज सिक्योर्ड एडवांस। अब सिक्योर्ड एडवांस भी एडवांस ही है, लेकिन देर इज़ वन डिफरेंस बिटवीन एडवांस पेमेंट एंड सिक्योर्ड एडवांस। एडवांस पेमेंट वर्क पे होता है, सिक्योर्ड एडवांस मटेरियल पे। इसका ये मतलब हुआ कि एडवांस पेमेंट हमने कैसे किया था, वर्क हुआ, मेजरमेंट नहीं हुआ, हमने उसका एक एस्टिमेट बनाया और उस एस्टिमेट के बेसिस पे उसका 70% 80% जो भी स्पेसिफाई होगा उसका हमने पेमेंट कर दिया, दिस इज़ एडवांस पेमेंट। सिक्योर्ड एडवांस में क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्टर साइट ऑफ वर्क पे मटेरियल लेके लाया और लाके उसने रख दिया। अब हमें पता है कि ये मटेरियल लाके रखा हुआ है, ये मटेरियल अब कहीं नहीं जा रहा, अब फर्दर और काम करने के लिए या फर्दर और मटेरियल लाने के लिए वो अब हमसे पैसे मांगता है, तो हम फिर से एस्टिमेट लगाएंगे इस मटेरियल का और इस मटेरियल के एस्टिमेट के बेसिस पे कुछ परसेंटेजेस कम करके उसको जो हम पेमेंट करेंगे, उसको जो हम एडवांस देंगे, दिस एडवांस इज़ नोन एज सिक्योर्ड एडवांस। नेक्स्ट इज़ एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन एक्चुअली होता क्या है कि बजट को हम अलग अलग यूनिट्स में डिवाइड करते हैं, अलॉट करते हैं कि इस पर्टिकुलर यूनिट पे या फिर इस पर्टिकुलर वर्क पे इतना एक्सपेंडिचर किया जाना है, तो उतना अमाउंट उस वर्क के लिए सैंक्शन है और उसी वर्क में ही किया जाना है। एक वर्क का एक्सपेंडिचर को हम या एक वर्क के जो बजट को हम दूसरे में एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते। तो ये जो हमने अलॉट किया है अलग अलग यूनिट्स पे या अलग अलग वर्क्स पे कि इस वर्क पे इतना बजट अलॉट किया जाता है, इसको हम कहते हैं अप्रोप्रिएशन। सिमिलरली इसके बाद जो है रीअप्रोप्रिएशन। तो एक बार जैसे कोई वर्क कंप्लीट हो गया लेकिन हो सकता है वहाँ पे बजट बाकी है, या फिर ऐसा हो सकता है कि कहीं वर्क चल रहा है और वहाँ का एक्सपेंडिचर जो अलॉट हुआ था, बजट अलॉट हुआ था, वो ख़त्म हो गया, तो कंपिटेंट अथॉरिटी के द्वारा फिर से इस अलॉटमेंट का जो फिर से रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको हम कहते हैं रीअप्रोप्रिएशन। नेक्स्ट इज सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट को बड़ी आसानी से यूँ समझें कि कोई भी ट्रांजेक्शन हुआ तो किसी पर्टिकुलर अकाउंट के अंदर ही होगा, किसी भी एक पर्टिकुलर अकाउंट में डेबिट होगा या फिर किसी भी पर्टिकुलर अकाउंट में क्रेडिट होगा। अब हमें जब पता है कि कौन से अकाउंट में डेबिट करना है और कौन से अकाउंट में क्रेडिट करना है, तब हम उस पर्टिकुलर अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर देंगे। लेकिन अगर हमें नहीं पता कि ये अल्टीमेटली किस अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट किया जाना है, तो उसको हम फिलहाल एक टेम्पररी अकाउंट में डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं। और जब हमें पता चलता है कि अल्टीमेटली उस अकाउंट में इसको डेबिट किया जाना था या क्रेडिट किया जाना था, तो हम यहाँ से उसको माइनस डेबिट या माइनस क्रेडिट करते हैं और ओरिजिनली जिस अकाउंट में उसको डेबिट या क्रेडिट किया जाना था वहाँ ले जाके उसको डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं। तो ये जो टेम्प्रेरी अकाउंट्स होते हैं इसको हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट्स। तो सस्पेंस अकाउंट्स बेसिकली होते हैं क्या कि ये टेम्प्रेरी अकाउंट्स होते हैं। यहाँ पर हम कोई अमाउंट इसलिए रखते हैं क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्चुअली वो अमाउंट कहाँ रखना है। ठीक है, हमने यहाँ डेबिट किया क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये अमाउंट हमें कहाँ डेबिट करना था, या फिर हमने यहाँ क्रेडिट किया तो हमको नहीं पता था कि ये अमाउंट एक्चुअली कहाँ क्रेडिट करना था, तो इस अकाउंट को हम कहते हैं सस्पेंस अकाउंट। और एट लास्ट इस सस्पेंस अकाउंट को हम क्लियर करते हैं और ओरिजिनली जहाँ उसको डेबिट या क्रेडिट करना होता है वहाँ ले जाकर उसको डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज़ बुक ट्रांसफ़र। बुक ट्रांसफ़र एक्चुअली क्या होता है कि जब भी कोई ट्रांजेक्शन होता है, जब भी आपने किसी को कैश दिया या कोई मटेरियल ख़रीद लिया, तो इसको जब अकाउंट्स बुक में लिखा जाता है तो इसकी दो एंट्रीज़ होती हैं, एक होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। इसका मतलब हर ट्रांजेक्शन किसी न किसी एक अकाउंट में डेबिट होगा और किसी न किसी एक अकाउंट में क्रेडिट होगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अकाउंट्स के सेटलमेंट के लिए या एरर करेक्शन के लिए हमें कई बार होता है कि ट्रांजेक्शन कुछ नहीं होता लेकिन फिर भी हमको बुक्स में एंट्री करनी पड़ती है। मतलब हमने हो सकता है गलती से किसी अकाउंट में डेबिट कर दिया हो और हमें उसको कहीं और डेबिट करना था। ठीक है, तो जहां हमने गलती से डेबिट किया वहां से हम निकाल के उसको ओरिजिनली जहां डेबिट करना था वहां ले जाके हमने डेबिट कर दिया, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं बुक ट्रांसफ़र। जहां केवल अकाउंट्स के बुक्स में हम डेबिट या क्रेडिट करते हैं, एक्चुअल कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता। सो फ्रेंड्स, दिस वेयर सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस और जो आपको आगे CPWA के थ्रू आउट द सिलेबस काम आते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।